अभी हम पहुंच चुके हैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के मुख्य भवन के पास। सामने आप देख सकते हैं बड़ा सा यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मुख्य भवन को पूरी तरीके से यहां पर प्लास्टर करके रेडी कर दिया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं सामने टिकट काउंटर बनाया गया है और इसके जस्ट साइड में यहाँ पर दो चक्के के लिए पार्किंग एरिया बनाया गया है। और आप देख सकते हैं मुख्य भवन के पास ये छोटा सा गार्डन बना हुआ था जिसको पूरी तरीके से तोड़कर हटा दिया गया है। सामने देख सकते हैं रेलवे कॉलोनी की तरफ रोड का निर्माण कार्य किया गया था, उसको पूरा मुख्य भवन तक यहां पर पहुंचा दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार के सामने हम पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही प्रवेश द्वार के सामने जो है नए मार्बल लगाने का कार्य पहुंच चुका है। देख सकते हैं मार्बल लगाने का कार्य किया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देख सकते हैं हर लोकेशनों पे मार्बल को रख दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल को बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार के सामने नए मार्बल लगाने का कार्य पहुंच चुका है। तो जोर शोर से काफी कार्य चल रहा है नए मार्बल लगाने का। तो देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर बैठने के लिए स्टील की सीटें भी लगाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक का पूरा व्यू। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर एक और दो पर कार्य काफी तेजी से किए जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो आपको देखिएगा, वीडियो आज का काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी अभी आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर हैं। देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर टोटियाँ उटियाँ लगाई जा रही हैं। तो पीने के लिए व्यवस्थाएं बहुत ही जल्द आपको प्लेटफॉर्म नंबर एक पर देखने को मिल सकता है। जोर शोर से काफ़ी कार चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, चलकर आपको दिखाते हैं नए जेल का कार्य कहाँ तक पहुँच चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर एक के बैक साइड में नए जेल का निर्माण कार्य चल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कार्य काफ़ी तेज़ी से किए जा रहे हैं। देख सकते हैं चारों तरफ से दीवारें उठाने का कार्य अभी चल रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं नहीं, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक जो है बने रहिएगा। तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पीने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो कि यहाँ पर भी टोटियाँ ओटियाँ लगा दी गई हैं। देख सकते हैं बाकी आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर दो पर सेट काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा तरीके से इसको छा दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर मार्बल लगाने का कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर दो पर देख सकते हैं बैरिकेटिंग स्टील से उसको घेरा गया है नए फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य करने के लिए। अभी आप सामने देख सकते हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर एक के 19 सीटों तक पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं जहां पर पीने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी यहां पर भी टोटियाँ लगा दी गई हैं। देख सकते हैं सामने यहाँ पर स्टील के लगाए गए हैं टोटियाँ। तो आपको दिखाते हैं अभी पानी आ रहा है या नहीं। देख सकते हैं अभी पानी ओनी आ रही हैं। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आप देख सकते हैं मार्बल हर जगह पर लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं जो पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी उनको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है और पानी भी आ रहा है। इसके साथ ही आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आगे चल के आपको दिखाते हैं किस प्रकार प्लेटफॉर्म नंबर एक पर और क्या क्या कार्य हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर यहां पर भी एक नया बूथ बनाया गया है जो कि अभी रेडी है ये। तो आप देख सकते हैं यहां पर जितने भी पुराने दीवारें थी उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और आप देख सकते हैं किनारे किनारे जो है पतली पतली पाइपों को बिछाया जा रहा है ताकि पानी आसानी से प्लेटफॉर्म नंबर एक पर सप्लाई हो सके। ये देख सकते हैं पतली पतली पाइपें लगाई गई हैं।
तो प्लेटफार्म नंबर एक का व्यू देख सकते हैं। मार्बल लगने से प्लेटफार्म नंबर एक काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसके साथ ही आप दिखाएंगे आपको प्लेटफार्म नंबर एक का सारा व्यू। सामने एक और पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, चलकर आपको दिखाते हैं। उन पर अभी कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है या नहीं, चलकर आपको दिखाते हैं। अभी इन पर डोटियां लगाई नहीं गई हैं, तो बहुत ही जल्द इन पर भी डोटियां लगा दी जाएंगी। तो देख सकते हैं ये जो पाइपें पतली पतली बिछाई गई हैं, पूरी माथे तक इसको बिछाया गया है। प्लेटफार्म नंबर एक पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पानी पीने के लिए हर जगह पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। दिखाते हैं आपको इन पर अभी डोटियां लगी हैं या नहीं। तो अभी इन पर डोटियां नहीं लगी हैं, तो बहुत ही जल्द इन पर लगाया जाएगा। इसके साथ ही एक और बनाया गया है पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं, चलकर आपको दिखाते हैं वहां पर अभी लगा है या नहीं। बाकी आप देख सकते हैं रेलवे कॉलोनी की तरफ रोड का निर्माण कार्य पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही आपको चलकर दिखाएंगे नए गोदाम का कार्य कहां तक पहुंच चुका है, दिखाते हैं। और प्लेटफार्म नंबर एक पर ये जो एरिया आप देख सकते हैं, बहुत ही जल्द इन पर भी मार्बल लगाने का कार्य किया जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं जहां पर पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, और आप देख सकते हैं यहां पर भी अभी डोटियां नहीं लगी हुई हैं, तो बहुत ही जल्द यहां पर भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं नए गोदाम का कार्य यहां तक जो है कंप्लीट हो चुका है, प्लास्टर व्लास्टर कम्प्लीट हो चुका है। तो ये आप पाइपें देख सकते हैं, पाइपें जो है इसके अंदर से सप्लाई किया गया है। बाकी सामने आप देख सकते हैं नए गोदाम का व्यू। नए कॉलोनी का रोड भी पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुका है। सामने आप देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर दो के न्यू टीन सीटों पर करकटों को पूरी तरीके से छा दिया गया है, और देखने में भी काफी खूबसूरत लग रहा है। सामने आप देख सकते हैं नया टावर वैगन सेट भी पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुका है, और अंदर जो है जो भी बचा हुआ कार है उसको अभी किया जाएगा। और जस्ट इसके बगल में टूल रूम बनाया गया है, और आप देख सकते हैं इन पर अभी पेंटिंग वेंटिंग का कार्य किया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हम प्लेटफार्म नंबर दो पर हैं। प्लेटफार्म नंबर दो पर देख सकते हैं नए नए कोच इंडिकेटर लगा दिए गए हैं हर जगह पर। इसके साथ ही आप देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर दो के न्यू टीन सीटों पर करकटों की छवाई का कार्य पूर्ण हो चुका है, और आगे जो है बीच के साइड में न्यू टीन सीटों पर छवाई का कार्य किया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर दो का व्यू, कोच इंडिकेटर हर जगह पर लगा दिए गए हैं प्लेटफार्म नंबर दो पर। इसके साथ ही आप देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर एक का व्यू। अभी हम प्लेटफार्म नंबर दो के न्यू टीन शेडो के बीच साइड में आ चुके हैं। प्लेटफार्म नंबर दो के न्यू टीन शेडो पर बीच के साइड में यहां पर ही बहुत ही जल्द यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा न्यू टीन शेडो के ऊपर करकटों की छवाई। बाकी कार जो है काफी तेजी से चल रहा है प्लेटफार्म नंबर दो पर। प्लेटफार्म नंबर दो पर देख सकते हैं कोच इंडिकेटर हर जगह पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही अभी प्लेटफार्म नंबर दो पर कार काफी तेजी से चल रहे हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। चलते हैं आपको दिखाते हैं प्लेटफार्म नंबर दो पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नया कैंटीन बना दिया गया है, और आगे जो है प्लेटफार्म नंबर दो पर बैरिकेटिंग स्टील से घेरा गया है। 12 मीटर चौड़ा नए फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। चलकर आपको दिखाते हैं गड्ढे का कार्य कहां तक पहुंच चुका है। तो देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर दो पर गड्ढों की खुदाई का कार्य यहां पर किया जा रहा है, जहां पर नए फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जाएगा। तो प्लेटफार्म नंबर दो का आप व्यू देख सकते हैं पूरा। तो आप देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर एक पर मार्बल लगाने का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर तीन पर कैफियत एक्सप्रेस इस टाइम खड़ी है। 4:25 पर
आजमगढ़ से रवाना होगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पर पूरी जगह पर कोचिंग इंडिकेटर लगाकर कंप्लीट कर दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 2 का व्यू पूरी तरीके से इधर जो है बनकर कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही हर जगह पर नए चीज़ों को दर्शाने के लिए बोर्ड को लगा दिया गया है। तो हम अपने वीडियो की समाप्ति यहीं से करेंगे। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।